दोस्तों आज हमें किसी देश के बारे में जानने वाले हैं जिस देश में अपने खुद की करेंसी यूज ही नहीं होती है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि सितंबर 2021 से एक क्रिप्टो करेंसी का उपयोग होगा। दोस्तों इस देश में एक अनोखा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जहाँ लोग एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेंट्रल अमेरिका के देश एल सल्वाडोर के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों यह देश अपने जिंदा दिल लोगों, अपने सर्फिंग और बेहतरीन बीचेस के लिए जाना जाता है। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों अपना बैकपैक कर लीजिए क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एल सल्वाडोर के डिजिटल सफर पर। तो चलिए शुरू करते आज का सफर। दोस्तों एल सल्वाडोर यह देश सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। एल सल्वाडोर की सीमा नॉर्थ ईस्ट में होंडुरस से और नॉर्थ वेस्ट में ग्वाटेमाला से लगती है। इस देश के एक तरफ पैसिफिक ओशन है। दोस्तों यह सेंट्रल अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोस्टलाइन कैरेबियन सी से नहीं लगती है। एल सल्वाडोर इस नाम का अर्थ है द सेवियर। इस देश की राजधानी सैन सल्वाडोर है। इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर है। दोस्तों यह देश 270 किलोमीटर लंबा और करीब 142 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी लगभग 68 लाख है जिसमें से करीब 24 लाख लोग तो राजधानी सैन सल्वाडोर में ही रहते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। दोस्तों 1 जनवरी 2001 से अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। 2001 से पहले यह सल्वाडोरन कोलन का यूज किया जाता था। यहाँ के 60% लोग शहरी क्षेत्र में स्थित है और 40% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 ईयर्स है और यहाँ का लिटरेसी रेट 89% है। दोस्तों यहाँ का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ की आबादी में सबसे ज्यादा लगभग 84% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो यह 86% मेस्टिजो, 12% यूरोपियन और कुछ प्रतिशत आबादी नेटिव लोगों की है और अफ्रीकन मूल के लोगों की है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 324% पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों सैन सल्वाडोर इस देश की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। सैन सल्वाडोर यहाँ का पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल सेंटर है। यहाँ के लोगों को सल्वाडोरन कहते हैं। दोस्तों यह देश 1821 तक स्पेनिश के अधीन था। एल सल्वाडोर को 12 जून 1821 में स्पेन से आजादी मिली थी। इसके बाद यह मेक्सिकन एम्पायर और फेडरल रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अमेरिका के अधीन था, लेकिन 1824 में ही एल सल्वाडोर फेडरल रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अमेरिका से अलग हो गया। इस देश को 1841 में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। यह यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड देश है। दोस्तों पारंपरिक तौर से इस देश की इकोनॉमी का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर था, लेकिन अब इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर भी अपना योगदान देता है। उसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देश की इकोनॉमी में अग्रसर है। दोस्तों आज भी इस देश में उगाई गई कॉफी की डिमांड पूरी दुनिया भर में है। कॉफी के साथ साथ टेक्सटाइल्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। दोस्तों यह देश सर्फर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यह आपको एयरपोर्ट पर कई लोग सर्फिंग बोर्ड्स के साथ दिखाई देंगे। यह इंटरनेशनल सर्फिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन भी किया जाता है। टूरिज्म इस देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। यह 1979 से 1992 तक भयानक सिल्वर चला था। इस सिल्वर के चलते कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक यह 80,000 लोगों की मौत हो गई। यह सिल्वर 1992 में यूनाइटेड नेशंस के पीस अकॉर्ड के कारण थमा था। यह नेचुरल डिजास्टर भी बहुत होते हैं। दोस्तों आपको यह करीब करीब 20 वॉल्केनो तो देखने को मिले जाएंगे। इनमें से दो तो एक्टिव वॉल्केनो है। इसी वजह से एल सल्वाडोर को बहुत बार द लैंड ऑफ वॉल्केनोज भी कहा जाता है। इस देश के फ्लैग के ऊपर भी वॉल्केनो है। दोस्तों जैसा कि आपको पहले बताया, यह एक फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ लोग एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। इस फेस्टिवल को बोलास डे फुइगो कहते हैं, जिसका मतलब है बॉल्स ऑफ फायर। यह नेजापा इस टाउन में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल 1922 के वॉल्केनिक इरप्शन के याद में मनाया जाता है। उस वक्त वॉल्केनिक इरप्शन के चलते यहाँ के लोगों को यह शहर छोड़ने की नौबत आ गई थी। क्या आप ऐसे फेस्टिवल में जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। भाई मैं तो वहाँ बिल्कुल ना जाऊँ। खैर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा इस देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2014 में सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन देशों में तीसरा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया गया था। दोस्तों सेंट्रल अमेरिका के उस सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में से एक मेट्रो सेंट्रो है जो सैन सल्वाडोर में स्थित है। प्लाया यल्टों को यह बीच कई टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करता है। यहाँ का सनसेट देखने के लिए
दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। एल सेल्वाडोर के नेशनल फुटबॉल टीम ने दो बार फीफा वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई थी, 1970 और 1982 में। दोस्तों, एल सेल्वाडोर और इसके पड़ोसी देश होंडुरस, इन दोनों देशों में जब फुटबॉल की मैच खेली जाती है तो दोनों ओर के खेमे में वातावरण गर्मा जाता है। कई बार फुटबॉल मैच के चलते इन दोनों टीम्स के फैन आपस में भिड़ जाते हैं। इस देश ने अब तक कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। दोस्तों, 1960 के दशक से जाके फॉरेस्ट कवर में बड़ी गिरावट आई है। अब तक इस देश ने करीब अपने फॉरेस्ट कवर का 85% खो दिया है और साथ ही में यहाँ की 50% से ज्यादा जमीन कल्टीवेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है। दोस्तों, इस देश में क्राइम की बहुत समस्या थी, खासकर गैंग क्राइम। यहाँ के गैंग क्राइम के चलते प्रतिदिन किसी न किसी का खून तो यहाँ होता ही था, लेकिन 2019 के सरकारी नीतियों के कारण यहाँ क्राइम में थोड़ी गिरावट आई है। यहाँ का नेशनल बर्ड टोरोगोज है और नेशनल फ्लावर आइजोटे है। टॉर्टिलाज, राइस और बीन्स यहाँ के मुख्य खाद्य पदार्थ है। दोस्तों, 2001 में यह भूकंप इस देश के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ था। यह भूकंप 7.7 रिश्टर का था। इस भूकंप के चलते यह एक सुनामी भी आई थी। दोस्तों, यह देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। यह दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिस कारण यह बहुत सारे वॉल्केनो है और भूकंप भी आते रहते हैं। यह लोग राइट साइड में गाड़ी चलाते हैं। यह पानी जाने वाला बलसा पेड़ इसके खूबसूरती और परफ्यूम के लिए काफी प्रचलित है। दोस्तों, अब आपको दिखाई दे वो जगह है जो आप अपने एल सेल्वाडोर टूर में शामिल कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सजेशन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।